Hi friends, welcome back to Civils tab. This is our previous lecture series of environment module. यहाँ पे हम cover करेंगे last 25 years, यानी 1995 से 2018 तक जो भी important environment related questions पूछे गए थे उनको. So as you know, we have divided these environment questions in 6 chapters, and we have already covered the basic concepts and terminology chapter, and we have started with the most important chapter, that is the biodiversity. So we have divided biodiversity under 3 sections, that is the biodiversity needs and threats, second is important flora and fauna, and third is conservation efforts, protected area network. So humne pehle hi apni pichli video mein biodiversity need and threats ko cover kar liya hai, aur is video mein hum start karenge important flora and fauna se. So to cover this topic, that is the important flora and fauna, we have divided it under 2 sections, that is the major classifications and second is the important species. So major classifications ke under hum wo classifications padhenge jo various acts ya various organizations ne in species ko di hai jo ki inki conservation efforts ke liye bahut important hai, and secondly hum wo species padhenge jo ki exam point of view se bahut important hai aur bahut hi frequently padhi jati hai. So let's start with the first part, that is the major classifications. So, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. ये पढ़ने इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जब हम ये क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए हमें पढ़ते हुए और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑफ 2011. इट इज द रेड डेटा बुक्स पब्लिश्ड बाय IUCN, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंटेन्स लिस्ट ऑफ First, endemic plants and animal species present in the biodiversity hotspots. Second is the threatened plants and animal species. And third is protected sites for the conservation of nature and natural resources in various countries. तो यहाँ पे हमसे directly पूछा गया है कि जो ये red data book है जो IUCN publish करता है वो क्या किस बारे में होती है या किस regarding होती है. Second question, in India, if a species of tortoise is declared protected under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो शेड्यूल 1 है WPA का, अगर कोई स्पीशीज उसके अंदर डिक्लेयर की जाती है तो उसका मतलब क्या है, यानी डायरेक्टली इस स्केड्यूल का मतलब क्या होता है या किसी भी स्केड्यूल जो इसमें है उनका क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं. तो फर्स्ट इज इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर. सेकेंड इज इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन. थर्ड इज इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया एंड लास्ट इज बोथ बी एंड सी. यानी हमें बताना है कि शेड्यूल 1 के अंदर अगर टॉर्टोइज है तो उसका क्या मतलब है. सो लेट अस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द टॉपिक, दैट इज द मेजर क्लासिफिकेशंस. तो इसमें हम 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट वुड बी IUCN बेस्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड विल बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेस्ड डिविजन, एंड थर्ड वुड बी साइट्स, दैट इज अ मेजर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट हैज गिवन सम अपेंडिसेस दैट वी विल बी स्टडिंग. सो दी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज दी IUCN बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये दी जाती है रेड डेटा बुक में. ये रेड डेटा बुक जो है वो IUCN पब्लिश करता है जिसमें कि सारी जो स्पीशीज होती हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कवर की है या जो अभी तक स्टडीड की है जिनके बारे में कुछ डेटा अवेलेबल है उनके बारे में हम इनकी कैटेगराइज करते हैं और इस रेड डेटा बुक में इनका जो डेटा होता है उसे पब्लिश करते हैं. तो ये जो IUCN पब्लिश करती है मेनली IUCN करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है, लाइक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और कुछ स्पेशलिस्ट ग्रुप. तो ये सब ग्रुप्स मिलके या सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस इन स्पीशीज को स्टडी करती है और इस रेड लिस्ट को तैयार करती है. ये जो रेड लिस्ट है बेसिकली क्या इन्वॉल्व करती है, ये रेड लिस्ट उन स्पीशीज को स्टडी करती है जिनका जो स्टेटस है कंजर्वेशन स्टेटस है वो अब बहुत पुअर है, जो कि अब एक्सटेंशन के बहुत ही करीब है, जिनका नंबर बहुत कम रह गया है. तो वो स्पीशीज को बेसिकली रेड डेटा लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. ये जो रेड डेटा लिस्ट है सबसे पहले रिलीज हुई थी 1965 में और इसको अब इसके बहुत सारे रिविजन्स आ चुके हैं. हर कुछ सालों बाद इसको रिलीज किया जाता है, इन स्पीशीज का नंबर को दोबारा रीवैल्यूएट करके इनकी कैटेगराइजेशन चेंज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्रेट. सो इस रेड डेटा को रेड डेटा बुक को पब्लिश करने के पीछे IUCN के 4 मेन गोल्स हैं. सबसे पहला मेन गोल ये है कि जो स्पीशीज हैं उनके बारे में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तैयार करके सब लोगों को मिल सके, यानी एक अवेयरनेस क्रिएट हो चुके, लोगों को पता लगे कि ये स्पीशीज बेसिकली इनका फ्लोरा क्या है, इनका फौना क्या है या इनको कंजर्व कैसे करना है. तो इनके बारे में जो भी नॉलेज है वो ग्लोबल लेवल पे एक सिंक्रोनाइज मैनर में अवेलेबल हो.
सेकेंड चीज ये है कि जो अगर ये बहुत ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज हैं तो इनकी अवेयर इनके बारे में लोगों को पता चले कि अब इन्हें बचाने की बहुत जरूरत है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है. थर्ड थिंग इज टू क्रिएट अ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग. यानी जो नेशनल गवर्नमेंट्स है, इंटरनेशनल लोकेलिटी है, वो सब मिलकर एक ऐसी पॉलिसी या प्लान तैयार करें जिससे कि हम इन स्पीशीज को कंजर्व कर सके. द फोर्थ थिंग इज टू बेसिकली गाइड द एक्शंस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज या जो भी ये इसमें इन्वॉल्व हैं सुपीरियर्स, वो जो है वो एक ऐसे मेथड्स देते हैं, ऐसे वे सजेस्ट करते हैं जिनसे हम इन स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं. तो ये है रेड डेटा बुक का मेन पर्पस और ये कब रिलीज करी जाती है थी फर्स्ट टाइम. तो ये जो IUCN रेड डेटा बुक होती है इसके अंदर कुछ मेजर पेजेस होते हैं, रेड पेज, पिंक पेज और ग्रीन पेज. इन पेजेस का मतलब क्या है? रेड पेजेस वो पेजेस हैं जिसमें वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि डेंजर में है या जिनकी नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, जो एक्सटेंशन का थ्रेट फेस कर रही हैं. पिंक पेजेस वो पेजेस हैं जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं. क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सटेंशन के बहुत ज्यादा करीब है और उनका नंबर अब बहुत कम रह गया है. थर्ड सेट ऑफ पेजेस दैट इज द ग्रीन पेजेस, इसमें वो स्पीशीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि पहले तो इंडेंजर्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा रिस्क पे थी, लेकिन अब उनमें रिस्क खत्म होता जा रहा है और वो नो लॉन्गर थ्रेटन्ड है. यानी अब उनमें रिस्क बहुत कम है, अब वो एक्सटेंशन का थ्रेट नहीं फेस कर रही. सो IUCN जो है इन जो भी फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज होती हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन डाटा. यानी जो भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कंजर्वेशन में काम कर रही है लाइक वर्ल्ड वाइड फंड या फिर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल या जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो ये जो भी कंजर्वेशन सोसाइटीज हैं जो भी काम कर रही हैं कंजर्वेशन पे, तो वो डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करती हैं और इवेल्युएट करती हैं कि अब उनका नंबर क्या है, उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या है, उनका इकोसिस्टम फिट है या नहीं. तो इस बेसिस पे हम इन स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं. इन स्पीशीज को क्लासिफाई हम किन किन कैटेगरीज में करते हैं? मेनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न्ड, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड. अब इनमें से जो डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड एक कैटेगरी है, ये एक्चुअली एक कैटेगरी नहीं है. ये बेसिकली वो स्पीशीज हैं जिनके ऊपर सफिशियंट अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है या जिनको इवैल्यूएट करना जरूरी नहीं समझा गया है या इवैल्यूएट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इनसफिशियंट डेटा या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उनको इवैल्यूएट करने के लिए. तो सबसे ज्यादा ये जो स्पीशीज हैं सबसे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन रिस्क के बेसिस पे हमने क्लासिफाई की है. सबसे ज्यादा एक्सटेंशन रिस्क होती है वो स्पीशीज जो ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी है लाइक डोडो, और सबसे जिनमें एक्सटेंशन का रिस्क सबसे कम है उन्हें हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न. प्लस आपको एक और चीज याद करनी है कि इन कैटेगराइजेशन में हमने एक अलग टाइप की कैटेगराइजेशन रखी होती है थ्रेटन्ड स्पीशीज. थ्रेटन्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो बेसिकली क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल. यानी अगर कोई भी स्पीशीज इन तीनों कैटेगरीज में से एक है तो वो एक थ्रेटन्ड स्पीशीज हो गई. नाउ वी विल डिस्कस दीज कैटेगरीज और दीज क्राइटेरियाज इन डिटेल. फर्स्ट कैटेगरी वॉज एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट वो कैटेगरी की स्पीशीज हैं जिनका अब कोई भी इंडिविजुअल लिविंग नहीं है. यानी वहां पे अब ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो स्पीशीज का लिविंग हो और वो स्पीशीज वाइप आउट हो चुकी है अर्थ से. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? डोडो, पैसेंजर पिजन, पायरियन आइबेक्स, वेस्टर्न ब्लैक राइनो, स्टेलर सी काओ, ये आपने सुना होगा, ये कॉमन कुछ स्पीशीज हैं जो ये एक्सटेंट हो चुकी है. नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सटेंट इन वाइल्ड. एक्सटेंट इन वाइल्ड वो कैटेगरी की स्पीशीज हैं जिनका अब एक्चुअली तो कोई इंडिविजुअल हम नॉर्मल अपने अगर लिविंग सराउंडिंग्स की बात करें तो कोई हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल ने इन्हें कल्टिवेट अलग से किया हो या कैप्टिव बना के रख लिया हो ड्यू टू ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और एनी अदर रीजंस. तो अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ कैप्टिविटी में है या उसकी नेचुरल पॉपुलेशन लेकिन बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी है, उसके जो ओरिजिनल रेंज था या उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट था वो बिल्कुल अब उसमें वो नहीं है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, हवाइयन क्रो, फ्रैंकलिनिया, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में समझी जाती हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज. क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं.
क्यों? क्योंकि यूपीएससी जनरली जो क्वेश्चंस पूछता है वो जनरली मेन मेनली वो स्पीशीज पूछता है जो कि थ्रेटेंड है. थ्रेटेंड कौन कौन सी स्पीशीज थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज. यानी अगर इन तीनों ही कैटेगरी की स्पीशीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. सो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज हैं. क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीशीज हैं जो कि इन तीनों में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगी. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज रिडक्शन. अगर तो उनका पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 90% से भी ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में या पिछले 3 जनरेशंस का, तो वो होंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सेकेंड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल्स. अगर उनके मेच्योर इंडिविजुअल्स जो हैं वो 250 से भी कम है प्लस उनका डिक्लाइन रेट 25% से भी ज्यादा रहा है पिछले 3 सालों में, तो वो होंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. या उनका नंबर 50 से भी कम रह गया है तो भी वो होंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. द थर्ड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी. अगर जो उनका एरियल एक्सटेंट है वो 10 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम में है प्लस वो सिर्फ एक ही मेन लोकेशन पे पाई जाती हैं, तो भी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएंगी. यानी इन तीन में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो बर्ड्स होंगी या वो स्पीशीज होंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं नामडाफा स्क्विरल, साइबेरियन क्रेन, घड़ियाल. ये जो कॉमन स्पीशीज हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड को बिलोंग करती हैं. साइबेरियन क्रेन आपने बहुत सुना होगा, ये न्यूज में भी काफी रहती है. क्यों? क्योंकि ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज है जो कि विंटर्स में इंडिया में आती है. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इंडेंजर्ड स्पीशीज. इंडेंजर्ड स्पीशीज भी वो स्पीशीज होती हैं जो कि थ्रेटेंड है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके भी तीन क्राइटेरियाज है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज रिडक्शन. तो जो स्पीशीज जिनका रिडक्शन साइज 70% से भी कम है, ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में या पिछली 3 जनरेशंस का, तो वो होंगी इंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरियल एक्सटेंट. तो अगर इन स्पीशीज का एरियल एक्सटेंट 5000 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया में है या फिर सिर्फ प्लस 5 ही लोकेशंस या उससे कम लोकेशंस में ये पाई जाती हैं, तो ये होंगी इंडेंजर्ड स्पीशीज. थर्ड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेच्योर इंडिविजुअल्स. अगर इनके मेच्योर इंडिविजुअल्स 250 से भी कम है या फिर 2500 से कम है प्लस इनका डिक्लाइन रेट जो है 20% से ज्यादा रहा है पिछले 5 सालों में, तो वो होंगी इंडेंजर्ड स्पीशीज. इसके कॉमन एग्जांपल्स जो आपने सुने होंगे वो हैं गोल्डन लंगूर, नीलगिरी ताहर. तो ये आपने बहुत न्यूज में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की भी सिग्नेचर स्पीशीज हैं कुछ, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहती हैं. तो ये है कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज वल्नरेबल. वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनका पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 50% से ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में या पिछली 3 जनरेशंस का. सेकेंड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ एरियल एक्सटेंट. तो अगर किसी स्पीशीज का एरियल एक्सटेंट 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है या और प्लस उनकी लोकेशंस जो हैं वो 10 लोकेशन से कम में फ्रेगमेंटेड है, तो वो होगी वल्नरेबल स्पीशीज. थर्ड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज. अगर उनका पॉपुलेशन साइज 10,000 से कम है या प्लस उनका जो डिक्लाइन रेट है वो 10% से ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में, या फिर उनके टोटल इंडिविजुअल्स का नंबर 1,000 से भी कम है, तो वो होंगी वल्नरेबल स्पीशीज. इसके कॉमन एग्जांपल्स जो आपने सुने होंगे वो क्या है, वो है जैसे कि ऑलिव रिडले टर्टल, स्नो लेपर्ड, लेदर बैक सी टर्टल, वन हॉर्न राइनो. तो ये कुछ कॉमन वल्नरेबल स्पीशीज हैं. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज नियर थ्रेटेंड स्पीशीज. नियर थ्रेटेंड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि अभी थ्रेटेंड नहीं है, यानी अभी वो ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है, ना इंडेंजर्ड है, ना वल्नरेबल है, लेकिन वो स्पीशीज फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द थ्रेटेंड के रिस्क पे हैं. यानी ऐसी स्पीशीज जो बहुत ही जल्दी वल्नरेबल कैटेगरी को बिलोंग कर सकती है वो होगी नियर थ्रेटेंड स्पीशीज. इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं व्हाइट राइनो, मार्खोर, ब्लैक बग, चीरू, दैट इज द टिबेटियन एंटीलोप. तो ये कॉमन नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लीस्ट कंसर्न्ड. लीस्ट कंसर्न्ड वो स्पीशीज हैं जिनको इवैल्यूएट करना हम जरूरी नहीं समझ रहे. क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज है एक्सटेंशन को अभी फेस नहीं कर रही. इनका जो साइज है, पॉपुलेशन साइज है, वो बहुत ज्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड है, अबंडेंट नंबर है, तो इसलिए ये स्पीशीज जो है लीस्ट कंसर्न्ड है. इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है, रीसस मंकी, हिमालयन ब्राउन बियर. तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज है बहुत ही कॉमनली और इनका नंबर भी हर जगह अवेलेबल है, तो ये है लीस्ट कंसर्न्ड स्पीशीज. सेकेंड लास्ट क्राइटेरिया इज डेटा डेफिशिएंट. डेटा डेफिशिएंट एज सच तो कोई स्पीशीज की क्राइटेरिया नहीं है, बट इनको हम एक
क्लासिफिकेशन कह सकते हैं उन स्पीशीज की जिनके बारे में अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके बारे में अभी प्रॉपर सर्वेस कंडक्ट नहीं हो पाए, इनके बारे में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स हमें नहीं पता, तो ऐसी स्पीशीज होंगी डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज. तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में निकोबार में, अंडमान निकोबार में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जिनके बारे में हम अभी तक प्रॉपर स्टडीज नहीं कर पाए हैं, लाइक डांसिंग फ्रॉग्स, निकोबार स्कॉप्स आउल. तो ये इंडिया में कुछ कॉमन डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज है. द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज इज नॉट इवैल्यूएटेड स्पीशीज. अब कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनको अभी तक जिनके बारे में कोई स्टडी की ही नहीं गई है IUCN द्वारा. अगर हम 2015 तक के डेटा की बात करें तो अभी तक सिर्फ 76,000 स्पीशीज को स्टडी किया गया है. आउट ऑफ नियरली 3 मिलियन स्पीशीज, 3.75 मिलियन स्पीशीज, सिर्फ हमने 76,000 स्पीशीज को स्टडी किया है. और अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो जिनको स्टडी नहीं किया गया है. तो यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मैक्सिमम स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिनको अभी तक स्टडी नहीं किया गया है, जो कि नॉट इवैल्यूएटेड में आती है. तो ये थी हमारी 9 कैटेगरीज इन दी IUCN लिस्ट. The next classification is of sites, that is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Flora and Fauna. तो by the name आप sites के बारे में कुछ जान सकते हैं. कुछ important features जो हमें sites के बारे में पता होने चाहिए वो ये कि first ये जो sign हुई थी, first time sign हुई थी 1973 में March 3rd को. March 3rd को अब हम World Wildlife Day के रूप में celebrate करते हैं. इस sites को सबसे पहले जो administer करता है, इसकी जो main administration organization है वो कौन है? वो है UNEP, that is United Nation Environment Program. Third thing that is important is it's basically legally binding document या convention. अगर कोई भी कंट्री इसे ratify करता है तो उसके लिए इसे implement करना बहुत जरूरी है, otherwise there will be penalty or legal actions can be taken against that country. इस स्पीशीज के अंडर जो जो भी प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज इंक्लूड होती है, बेसिकली हम उनकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पे बात करते हैं. सो दिस एक्ट स्पेसिफिकली रेगुलेट्स द कमर्शियल ट्रेड एस्पेक्ट. तो हम किसी और चीज को रेगुलेट नहीं करते इस एक्ट के अंदर, हम बेसिकली ट्रेड एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं. सो इस साइट्स की क्लासिफिकेशन में हमने स्पीशीज को 3 अपेंडिक्सेस में डाला है. तो फर्स्ट अपेंडिक्स लिस्ट में जो स्पीशीज आती हैं वो स्पीशीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रेटेंड हैं और एक्सटेंशन का थ्रेट फेस कर रही हैं नियर फ्यूचर में. इस स्पीशीज के अंदर जो भी स्पीशीज जो इंक्लूड होंगी इस अपेंडिक्स के अंदर, उनका ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट रहता है, एक्सेप्ट अंडर वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस या फिर साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए. नॉर्मल रीजंस में इसका कमर्शियल ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिट रहता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का. सेकेंड अपेंडिक्स के अंदर जो स्पीशीज आती हैं वो वैसे तो थ्रेटेंड नहीं है, लेकिन इनका नंबर डिक्लाइन कर रहा है अभी कॉन्टिन्यूसली, तो हो सकता है कि ये नियर फ्यूचर में एक्सटेंशन फेस करें. तो इसलिए इनका जो ट्रेड है वो नॉर्मली तो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं होता, लेकिन रेगुलेटेड होता है. सो इट इज परमिटेड अप टू अ लेवल, एंड इफ देयर इज अ लाइसेंस इज गिवन, यू कैन ट्रेड ऑन दीज स्पीशीज. The third category of species that is included in Appendix 3, वो species हैं जो कि किसी दूसरी country में protected हैं और एक country में protected हैं, लेकिन बाकी countries में हो सकता है ना protected हो. तो अगर कोई ऐसी species है जो किसी एक country में protected है लेकिन बाकी में नहीं और उसका trade हो रहा है, तो वो जो species है वो Appendix 3 के rules के under regulate की जाती है. तो as such इनकी trade पे direct एक prohibition नहीं है, but थोड़ा बहुत regulation होता है, बहुत ही minor होता है as compared to appendix 1 and appendix 2 species. Now the third classification that is given by the Wildlife Protection Act 1972. इससे पहले जो हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो थी बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी थी 1972 के एक्ट के अंदर. इसमें भी स्पीशीज में भी हम वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स सबको इंक्लूड करते हैं. तो इस एक्ट के कुछ मेन प्रोविजन देख लेते हैं. सबसे पहला प्रोविजन ये है कि वो कहाँ पे एप्लीकेबल है. ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में लगती है एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ का खुद का एक पर्सनल एक्ट है, तो उस पर ये WPA एप्लीकेबल नहीं है. द सेकेंड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग राइट्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. यानी कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में बहुत ही कॉमन सेंटिनलीज हैं, ऑनजीज हैं, शॉम्पेन्स हैं, तो उनकी जो ट्रेडिशनल हैबिटेट है दैट दे बेसिकली सर्वाइव ऑन हंटिंग द एनिमल्स, तो वहां पे उनकी राइट्स को भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है. द
The third act is this act was mainly on the basis of provision of sites. यानी जो अभी हमने पिछला convention पढ़ा था जो 1973 में sign हुआ था उसी के basis पे ये act बनी हुई है. इस act के अंदर basically 6 schedules हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इस act के अंदर ये act इसलिए भी important है क्यों? क्योंकि इस act के अंदर 5 kinds of protected areas classified हैं. क्या? National parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves, conservation reserves, community reserves. तो ये जो 5 protected area है वो भी Wildlife Protection Act के अंदर ही बनाए गए हैं. तो इसलिए ये act बहुत ही important. So let us now talk about the classification under WPA, that is Wildlife Protection Act 1972 के अंदर जो classification की गई है plants और animals की, उसकी बात करते हैं. इस classification में basically animals और plants को 6 schedules में बांटा गया है. The first two schedules, that is schedule 1 and 2, are the most important. और इसमें include होते हैं mainly animals. कौन से animals? ऐसे animals जो कि endangered या threatened है. क्योंकि ये animals endangered और threatened है, तो इनकी protection levels बहुत ही ज़्यादा high होते हैं. इनकी hunting और killing generally या normal circumstances में बिल्कुल भी allowed नहीं की जाती. Schedule 1 की बात करें तो उसकी killing तो किसी भी condition में allowed है ही नहीं. लेकिन Schedule 2 की अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ cases में Chief Wildlife Warden के permit से हम उनकी hunting कर सकते हैं. This will be either for educational purposes or scientific experiment. तो बहुत ही ज़्यादा minimum cases में Schedule 2 की hunting allowed है, लेकिन बहुत ही restricted level पे. तो इनकी protection level बहुत ही ज़्यादा high है. अब हम बात करते हैं Schedule 3 और Schedule 4 के animals की. Schedule 3 और 4 के animals जो हैं, उनका protection level Schedule 1 और 2 के animals से कम होता है. इनके under अगर कोई offence किया जाए, तो उनकी penalties भी कम होंगी as compared to Schedule 1 and 2. But still इनकी भी जो hunting है, वो regulated रहती है. इनकी killing के लिए भी हमें permit लेना होता है Chief Wildlife Warden से. Next हम बात करते हैं Schedule 5 की. Schedule 5 के जो animals हैं वो animals हैं जिनकी killing हम allow कर सकते हैं. यानी normally भी इनके लिए अलग से इनकी अगर हम कोई इन्हें मारता है तो उस पे कोई भी offence नहीं लगाया जाएगा. He has not committed any kind of crime. तो इसमें कौन-कौन से animals include होते हैं? इसमें animals include होते हैं like crows, mice, pests जो कि हमारी crops को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं. तो वो होते हैं Schedule 5 के animals. Recently, Himachal Pradesh government ने rhesus monkey को vermin declare करने की request डाली है. तो vermin वो animals होंगे जो कि Schedule 5 में included हैं. Last schedule है Schedule 6. इसमें basically plant species include होती हैं. तो अगर हम बात करें पहले 5 schedules की, तो उनमें सिर्फ animal species की बात कर रहे थे. अगर हम Schedule 6 की बात करते हैं, तो उसमें basically plant life involved हैं. तो उसमें वो plants involved हैं जिनको high protection दी गई है, जिनकी cutting, deforestation बिल्कुल भी allowed नहीं है, तो वो होंगे Schedule 6 के plants. Now let us try to answer the questions. The red data books published by IUCN, that is the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, contains list of. यानी red data book किसकी list को contain करता है? First, endemic plants and animal species present in biodiversity hotspots, यानी इसके अंदर endemic species को include किया गया है. Second, threatened plant and animal species. Third, protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries. तो क्या इसमें endemic species included है, threatened species included है, या ऐसे areas के list जिनको conserve किया गया है different countries में? तो अभी हमने पढ़ा था कि IUCN जो red data list है, वो वैसे animals को include करती है जो कि extinction का risk face कर रहे हैं या जो threatened है. तो इसका answer होगा B, that is 2 only. The next question: In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? तो हमसे पूछा गया कि अगर कोई species Schedule 1 में included है, तो उसका क्या मतलब है? Schedule 1 की species हमने पढ़ा था, वो species होती हैं जो कि highly protected species हैं, जिनकी hunting, killing बिल्कुल भी allowed नहीं है, वो होंगी Schedule 1 की species. So let us check from these options कि इनमें से ऐसा कौन सी option है जो कि protection की बात कर रहा है. The first option, it enjoys the same level of protection as the tiger. अब आपको पता है कि tiger हमारा national animal है, वो भी Schedule 1 का animal है and it enjoys high level of protection. तो अगर कोई species like tortoise उस schedule 1 में है और वो tiger level की protection enjoy कर रही है, तो it is highly protected and this seems to be the right option. बाकी options check कर लेते हैं एक बार. B, it no longer exists in the wild. A few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extension.
तो ये जो इसमें जो बात की गई है वो बेसिकली उन स्पीशीज की बात की है जो कि एक्सटेंट इन वाइल्ड है, वो स्पीशीज जो कि कैप्टिव प्रोटेक्शन में है और नॉर्मल हैबिटेट से अब हट चुकी है. सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. सी ऑप्शन, इट इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया. तो स्केड्यूल वन में हो सकता है कि कोई स्पीशीज एंडेमिक हो, लेकिन हम यहाँ पे मेन बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो ये भी ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है. डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बी और सी हमारे सही नहीं है. तो आंसर वुड बी ए. सो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट लेक्चर का खत्म होता है जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस कवर करनी थी. अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, दैट इज द इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फौना. तो इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, दैट इज द कोरल्स एंड सेकेंड इज द प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी. अब हम बात करते हैं कोरल्स की सबसे पहले. सो इससे पहले कि हम कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने, लेट अस सी कि यूपीएससी में इसके बारे में कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, ताकि हमें पता लगे कि अगर हम कोई स्पीशीज पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमें क्या नॉलेज गेन करनी चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, यानी जो कोरल रीफ्स हैं वो मोस्टली ट्रॉपिकल वाटर्स में है. सेकेंड स्टेटमेंट, मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, यानी वन थर्ड जो कोरल रीफ्स हैं वो इन तीन कंट्रीज में है. द थर्ड स्टेटमेंट, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दी होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कोरल रीफ्स के अंदर जो एनिमल स्पीशीज हैं उनका नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा है. सो हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन सी है. The next question that is related to coral reefs, this was asked in prelims of 2014. हमें बताना है वो locations जहाँ पे इंडिया में coral reefs पाए जाते हैं. First, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, second, गल्फ ऑफ कच्छ, third, गल्फ ऑफ मन्नार एंड fourth is सुंदरबंस. तो इन चारों locations में से ऐसी कौन कौन सी locations हैं जहाँ पे इंडिया में coral reefs होते हैं. So, on the basis of these two questions, friends, you can see कि coral reefs बहुत ही important है UPSC point of view से. हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि coral reefs इंडिया में कहाँ है, हमें ये भी पता होना चाहिए world में वो कहाँ पे हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या क्या problems हैं और उनको क्या conditions चाहिए. तो ये सब चीजें अगर हमें पता होंगी तो ही हम coral reefs के ऊपर questions answer कर पाएंगे. तो सबसे पहले corals क्या होते हैं, coral reefs कैसे बनती है. कोरल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हमने बायोटिक इंट्रैक्शंस किए थे कि कोरल्स एक ऐसी स्पीशीज है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है जूजैंथली एल्गी के साथ. तो ये जो स्पीशीज है जनरली एक कॉलोनीज में रहती है, लार्ज कॉलोनीज में रहती है, इंडिविजुअली नहीं मिलती, तो बहुत ही ज्यादा नंबर पे ये एक साथ रहती है. तो ये सॉलिटरी एनिमल नहीं है, ये फीचर आपको कोरल्स के बारे में याद रखना है. सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कोरल्स के बारे में वो ये कि उनका जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है. इट इज जनरली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो व्हेन दीज कोरल्स डाई, उनका जो शेल होता है वो सीमेंट कर जाता है एक दूसरे के साथ और वो बहुत ही एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कहते हैं रीफ्स. तो रीफ्स क्या है, बेसिकली एक जो कोरल रीफ्स का जो शेल रह गया है, कोरल्स का जो शेल रह गया है उससे एक बना हुआ एक स्ट्रक्चर है. बट आपको ये याद रखना है कि कोरल्स के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है. कोरल्स कैन बी हार्ड कोरल्स एज वेल एज सॉफ्ट कोरल्स. तो जो सिर्फ हार्ड कोरल्स हैं वो ही कोरल रीफ्स बना सकेंगे. क्यों? क्योंकि हार्ड कोरल्स का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा और वो जल्दी डाइल्यूट नहीं करेगा, इसलिए वो रीफ्स बना पाएंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी जो सॉफ्ट कोरल्स हैं लाइक सी फैंस, गॉर्गियंस, वो बहुत ही प्रेशियस होते हैं. वो उनको जनरली लोग कंजर्व जरूर करते हैं एक प्रेशियस एलिमेंट की तरह, बट दे कैनॉट मेक रीफ्स. सेकेंड चीज जो आपको कोरल्स के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि वो उनका जो स्पीशीज एक्सटेंट क्या है. ये जो कोरल्स हैं इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही लार्ज और डाइवर्स होता है. इसके अंदर जो एनिमल डेंसिटी है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ वी कंपेयर टू एनी अदर इकोसिस्टम इन द प्लैनेट. इसीलिए इन्हें हम बेनीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. एरियल एक्सटेंट की अगर हम बात करें इट इज जस्ट द 0.2% ऑफ ओशंस, यानी जो अर्थ का जो 71% ओशंस है उनमें ये सिर्फ 0.2% एरिया ही कवर करती है. सो डिस्पाइट हैविंग सच अ ह्यूज एनिमल डाइवर्सिटी इट कवर्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज इनका जो क्लाइमेट होता है, इनका जो कंडीशंस होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेनली द ट्रॉपिकल सीज. दो देर आर लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड कोरल्स ऑल्सो, बट वी मेनली टॉक अबाउट वार्म कोरल्स क्योंकि यही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है और रीफ्स बना सकती है. सो लेट अस सी कि ये कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे मिलती है.
कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वो मेनली चार जगह पे मिलती हैं मेजर डेंसिटीज में. सबसे पहले कोरल ट्राइंगल्स. कोरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि मेनली थ्री कंट्रीज की कॉम्बिनेशन से बना है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया. तो इन तीनों कंट्रीज में कोरल्स की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है. यहाँ पे जो कोरल डेंसिटी है इट इज अराउंड मोर 40%. तो यानी 40% ऑफ द कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड लाई इन दिस रीजन. तो यहाँ पे मेजर कोरल रीफ्स है. सेकेंड जो कोरल रीफ्स हैं वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. यहाँ की जो कोरल रीफ्स है अगर हम सैटेलाइट से देखें तो वो भी दिखती हैं. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ्स इन द वर्ल्ड. थर्ड मेजर जो कोरल रीफ्स हैं वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बेलीज कंट्री के पास. ये जो कोरल रीफ्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं. साउदर्न हेमिस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो हम ग्रेट बैरियर रीफ्स को लार्जेस्ट कहते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो हम बेलीज बैरियर रीफ को लार्जेस्ट कहते हैं. फोर्थ मेजर जो हैबिटेट है कोरल्स का वो कहाँ पे है, इट इज इन द इंडियन ओशन, दैट इज द चेगोस लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो यहाँ पे जो कोरल्स मिलते हैं इट इज ऑफ द टाइप एटॉल्स. यहाँ पे जब हमने बात की थी बैरियर रीफ की तो इट इज मेनली बैरियर टॉल्स, बैरियर रीफ्स. यहाँ पे जो टाइप है वो कौन सा है, एटॉल्स. तो ये हमने देखा कि कोरल्स जो है वो बहुत तरह के रीफ बना सकते हैं. इट कैन बी फ्रिंजिंग रीफ, इट कैन बी बैरियर रीफ, इट कैन बी एटॉल रीफ. तो ये सब आपने ज्योग्राफी के अंडर जरूर पढ़ा होगा. अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो कोरल रीफ्स हैं वो मेनली चार या पांच जगह पे मिलते हैं. तो लेट अस सी इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं. वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला मेन लोकेशन कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ. तो गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ रीजन है वहां पे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा मिलती है. यहाँ पे जो कोरल रीफ्स होती है वो मेनली किस टाइप की होती है, इट इज मेनली पैची कोरल्स और स्मॉल कोरल्स. सेकेंड कोरल्स का जो मेन इनहेबिटेशन है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप चेगोस आइलैंड्स के पास. ये जो है इंडिया में लार्जेस्ट कोरल एसोसिएशंस है अगर हम बात करें. तो इट मेनली यहाँ पे कौन से टाइप की कोरल्स मिलते हैं, यहाँ पे मेनली एटॉल्स और पैची फ्रिंजिंग रीफ्स मिलते हैं. तो ये है यहाँ पे जो मेन कोरल्स मिलते हैं. थर्ड मेजर हैबिटेट जो कोरल्स का इंडिया में है वो है गल्फ ऑफ मन्नर रीजन. गल्फ ऑफ मन्नर रीजन जो है वो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री पे जो पाक स्टेट रीजन है उसको सराउंड करता है. यहाँ पे भी कोरल्स बहुत ज्यादा मिलती हैं. फोर्थ मेजर जो रीजन है हैबिटेशन का कोरल्स की वो कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार रीजन्स. यानी जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनमें कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि प्योरली कोरल से बने हुए हैं. तो ये भी कोरल्स की एक मेजर हैबिटेशन है. तो अभी हमने देखा जो ये कोरल रीफ्स हैं ये सारे ओशियंस या सारी सीज में नहीं है, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रीजन में पाई जाती हैं. ये मेनली ट्रॉपिकल सीज में होती हैं या सब ट्रॉपिकल वाटर्स में होती हैं. क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए बनने के लिए या सर्वाइवल के लिए. तो क्या है वो कंडीशंस, सबसे पहले कंडीशन है टेम्परेचर रिलेटेड. कोरल्स को जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्रीज या उससे ज्यादा ही चाहिए. अगर इससे वाटर का टेम्परेचर जो है, सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है इससे कम होगा तो कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोरल्स वहां पे होती हैं जहां पे कोल्ड वाटर करंट्स और वार्म वाटर करंट्स मिक्स होते हैं. यानी वो एरियाज जो कि न्यूट्रेंटली बहुत रिच हैं, एक अप अगर कोई कोरल जो है वो कभी भी एक अपवेलिंग जोन में नहीं होगा. यानी अगर किसी अगर हम अपवेलिंग जोन्स की बात करें, कोल्ड करंट्स की बात करें जो कि वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट पे होते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो वहां पे कोरल्स नहीं होंगे. तो कोरल्स कहाँ पे होंगी, ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के पे या फिर वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ ओशन पे, तो वहां पे हमारे कोरल्स होते हैं मेनली. तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कोरल्स के बारे में ये कि वो बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं जू जांतली के साथ. तो क्योंकि वो जू जांतली के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं और जू जांतली को फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो कोरल्स भी बेसिकली ऐसे ही एनवायरमेंट में रह सकते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो. तो अगर किसी एरिया में, किसी वाटर के रीजन में सनलाइट नहीं पहुंच रही है, बहुत ही डार्क रीजन है, तो वहां पे कोरल्स नहीं रह पाएंगी. तो इसलिए कोरल्स की जो डेप्थ होती है वो जनरली 180 फीट तक ही होती है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कोरल्स इज रिलेटेड टू दियर सैलिनिटी. जो कोरल्स की जो सैलिनिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, अराउंड 35% पर 1000 ग्राम्स. तो कोरल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेडिमेंटेशन में होते हैं, बहुत ही सॉल्टी सीज में होते हैं. अगर बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर किसी ओशंस या रिवर्स में आ जाए तो वहां पे कोरल्स डाई करना शुरू कर जाएंगे. तो ये थी कुछ फोर मेन कंडीशंस कोरल रीफ्स के बनने के लिए. तो फ्रेंड्स अभी हमने देखे थे कोरल रीफ्स के बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, सैलिनिटी चाहिए होती है. अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो कोरल रीफ्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. इसी से एक फिनोमेना रिलेटेड है कोरल ब्लीचिंग.
तो कोरल ब्लीचिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोरल्स जो हैं अपना कलर लूज करने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट टर्निंग आउट टू बी वाइट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो कोरल ब्लीच कब करते हैं, ये ब्लीच करते हैं दो कंडीशंस में. फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ जूजांथली. जूजांथली हमने पढ़ा था कि वो एल्गीज हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं कोरल्स के साथ. अगर इनकी डेंसिटी, जूजांथली की डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाएगी कोरल्स में, तो कोरल्स बेसिकली डाई करना शुरू कर जाएंगे और पेल होना शुरू हो जाएंगे. सेकेंड रीजन क्या है पेल होने का, वो है कंसेंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन जूजांथली. अगर ये जो फोटोसिंथेटिक एलिमेंट है इसी की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो भी जूजांथली जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और जो अपना कलर है वो लूज कर जाएंगे. क्योंकि जूजांथली ही कोरल्स को कलर देते हैं, अगर जूजांथली ही नहीं होंगे तो कोरल्स जो है अपना कलर लूज कर जाएंगे एंड दे स्टार्ट टू टर्न वाइट. तो ये कोरल ब्लीचिंग होती क्यों है? कोरल ब्लीचिंग कैन बी ड्यू टू नेचुरल रीजंस एंड ड्यू टू मैनमेड रीजंस. बट अभी जो हमारा रीसेंट कंसर्न है वो मेनली है मैनमेड फैक्टर्स की वजह से. इसके जो मैनमेड फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण सी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली स्पाइक कर रहा है. अब इस टेम्परेचर के राइज के कारण जो है कोरल्स जो है वो अपना जूजांथली लूज कर रहे हैं और इसलिए वो ब्लीच कर रहे हैं. सेकेंड मेजर रीजन दैट हैज बीन रिलेटेड टू कोरल ब्लीचिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट इज रिलेटेड टू एल नीनो एंड लानीना. तो अगर एल नीनो के कारण जो है वो कोरल्स जो है कोरल ब्लीचिंग का जो फिनोमेना है वो भी बढ़ जाता है एल नीनो के टाइम पे. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है. और एक रीजन जो है कोरल ब्लीचिंग का वो है सेडिमेंटेशन ऑफ द ओशियंस. तो क्योंकि ओशियंस में वेस्ट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, वो अपनी जो उनका नॉर्मल क्लीनिनेस था, टर्बिडिटी थी, वो उसके खत्म होती जा रही है. सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए भी कोरल्स ब्लीच करना शुरू कर रहे हैं. फोर्थ मेजर रीजन इज फ्रेश वाटर डाइल्यूशन. ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे होता है, बहुत ही कम एरिया में होता है. इस रीजन के कारण कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड नहीं होती. जनरली जो कोरल ब्लीचिंग वाइड स्प्रेड रीजन पे होगी वो होगी मेनली या तो एलिनो की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. नेक्स्ट मेजर रीजन जो है कोरल ब्लीचिंग का वो है जीनोबायोटिक्स. जीनोबायोटिक्स में क्या होगा, कोरल्स जो है वो एक्सेस केमिकल को एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स लाइक कॉपर, मेटल, मर्क्यूरी. अगर कोरल्स का जो है इन मेटल्स या इन केमिकल्स के साथ एक्सपोजर होगा तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो सकती है. नेक्स्ट कॉमन फिनोमिना दैट हैज बीन रिलेटेड टू कोरल ब्लीचिंग इज रिलेटेड टू डिजीजेस, कोरल डिजीजेस. यानी अगर कोई पैथोजन जो है वो कोरल्स के साथ इंड्यूस हो गया है तो भी हो सकता है कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाए. अदर रीजन कैन बी ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट एडिशन इन ओशियंस. यानी ओशन में जो पोल्यूशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज यूट्रोफिकेशन हो रही है, उससे भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है. तो ये कुछ मेजर रीजन थे कोरल ब्लीचिंग के. Now let us try to answer the questions. Consider the following statements. First statement, most of the world corals are in tropical waters. तो हाँ ये सही है कि corals जो हैं वो mainly tropical waters में होते हैं. क्यों? क्योंकि उनको high temperature चाहिए होता है, around 20 degrees Celsius या उससे ज़्यादा. तो ये statement सही है. Second statement, more than one third of the coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia and Philippines. तो yes, we studied कि जो coral triangles हैं जो कि इन countries में हैं, Australia, Indonesia, Philippines, इनमें 33% से भी ज्यादा कोरल रीफ्स हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर एनिमल फाइला दैन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ये भी सही है कि कोरल रीफ्स की जो एनिमल डेंसिटी है वो किसी भी इकोसिस्टम से ज्यादा है. तो वो चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, चाहे टुंड्रा हो, चाहे कोई भी रीजन हो, उसमें एनिमल स्पीशीज इन सभी इकोसिस्टम से ज्यादा है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है. ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. तो आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड रिगार्डिंग कोरल रीफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लोकेशंस पे कोरल रीफ्स मिलते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यस यहाँ पे कोरल्स मिलते हैं. सेकेंड इज गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ भी कोरल्स मिलते हैं. थर्ड गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे कोरल्स मिलते हैं. फोर्थ इज सुंदरबंस. सुंदरबंस में कोई कोरल्स नहीं होते. कोरल्स जो होते हैं कोलकाता वेटलैंड्स के आसपास, कोई भी कोरल्स अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए हैं. सो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, दैट इज ए. सो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज के अंडर अभी हमने कोरल्स कवर किए. अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज से.
तो फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़े थे कोरल्स। जब हम कोरल्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ स्पेशल चीजों की बात करी थी, क्या उनका हैबिटेट क्या है, क्या उनकी कंडीशंस है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, क्या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, वो कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया में वो कहाँ पे मिलते हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, ये सब चीजें हमने कोरल्स के बारे में जानी। इसी तरीके से न्यूज में जब भी कोई स्पीशीज रहती है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें उन स्पीशीज के बारे में पढ़ने चाहिए या ध्यान रखने चाहिए। वो क्या है? वो है कि उनका स्पेशल, वो किस टाइप के हैं, वो मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनका हैबिटेट क्या है, उनकी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड लेवल पे वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, क्या वो एक एंडेमिक स्पीशीज है, क्या वो एक कीस्टोन स्पीशीज है, और प्लस कि वो किस किस रीजन से वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज बनी है या IUCN कैटेगरी की थ्रेटेंड स्पीशीज बनी है, यानी किस रीजन से उनका नंबर कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। तो कोई भी अगर आप स्पीशीज कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ें तो इन कुछ फैक्ट्स को आपको जानना है। इसी तरीके से हमने कुछ स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि UPSC में लास्ट 25 ईयर्स में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी गई है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्पीशीज से। आ फर्स्ट स्पीशीज इज सी ड्यूगोंग और सी काऊ। सी ड्यूगोंग, जो सी ड्यूगोंग या सी काऊ है, ये एक मैमल है। ये बेसिकली IUCN वल्नरेबल कैटेगरी में बिलोंग करता है और एक शेड्यूल वन और साइट्स अपेंडिक्स वन का भी एनिमल है। तो इसलिए ये हाईली एक थ्रेटेंड स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जो कि इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैली हुई है। सेकेंड चीज जो इसके हमें पता होना चाहिए वो ये कि उसका हैबिटेट क्या है। ये बेसिकली कोस्टल एनिमल है, कोस्टल हैबिटेट्स में पाई जाती है। इसका मेन जो सी ग्रासेस हैं ये उसे खाता है, तो ये बेसिकली एक हर्बीवोरस एनिमल है। नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि वो इंडिया में कहाँ पे मिलती है। ये जो सी काउज हैं ये मेनली गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि वो किस लिए थ्रेटेंड है या क्यों ये वल्नरेबल स्पीशीज बनी है। इसका मेनली रीजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी जो फिश ट्रैप्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं, जो कि इनका जो मेन फूड है दैट इज सी ग्रास, वो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड हो गया है। उनका जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, वो अब इनको क्योंकि अप्रोप्रिएट अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है तो इनका नंबर भी डिक्रीज कर रहा है। ऑयल स्पिल्स, केमिकल पोल्यूशन के कारण भी इनका जो हैबिटेट है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। ये सारे रीजन है इनके थ्रेटेंड होने के। नेक्स्ट स्पीशीज दैट वी विल डिस्कस इज लॉयन टेल्ड मेकॉक। तो लॉयन टेल्ड मेकॉक जो है वो है IUCN इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये भी एक मैमल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अपेंडिक्स वन साइट्स में इंक्लूडेड है, शेड्यूल वन ऑफ WPA इंक्लूडेड है। तो इनकी जो ट्रेडिंग है या किलिंग है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये मिलता कहाँ पे है? ये मिलता है बेसिकली, एक आर्बोरियल एनिमल है तो कहाँ पे मिलेगा? ये बेसिकली फॉरेस्ट में मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। इंडिया में ये मिलता है बेसिकली वेस्टर्न घाट रीजन में, दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला स्टेट्स में। जो मेन नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज हैं जहाँ पे ये मिलता है वो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, दैट इज इन कर्नाटका, पेरियार नेशनल पार्क, दैट इज इन केरला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, दैट इज अगेन इन तमिलनाडु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे लायन टेल्ड मेकॉक मिलता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इज वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो जो है ये भी एक मैमल है, हर्बीवोरस एनिमल है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। ये जो है एक IUCN वल्नरेबल स्पीशीज को बिलोंग करता है। इसकी कंजर्वेशन के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने राइनो विजन 2020 लॉन्च किया था, और ये भी एक अपेंडिक्स वन साइट स्पीशीज है और शेड्यूल वन में इंक्लूडेड है। इसका जो हैबिटेट है वो क्या है? वो बेसिकली ग्रासलैंड सवाना इन्वायरमेंट है, यानी ये बेसिकली ग्रासलैंड्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक हर्बीवोरस एनिमल है और ग्रासेस इसका मेन फूड है। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो ये कि बेसिकली ये एक सॉलिटरी एनिमल है, ये जनरली अकेले रहना पसंद करते हैं, दे जनरली डो नॉट मिंगल इन ग्रुप्स। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो ये कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इंडिया ये में मेनली असम रीजन में पाया जाता है। इंडिया में असम में मेनली कहाँ पे? असम में कुछ नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे वन हॉर्न राइनो बहुत ही कॉमन है, लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, उरांग, पोबिताड़ा, जल्दापारण, वेस्ट बंगाल, दुधवा नेशनल पार्क। तो इन सभी जगह पे ये पाया जाता है। इसके थ्रेटेंड होने के क्या क्या रीजंस हैं? इसके थ्रेटेंड होने के रीजंस हैं हैबिटेट लॉस, हंटिंग, इलीगल ट्रेड। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये एक वल्नरेबल स्पीशीज बन गया है।
थर्ड स्पीशीज दैट वी विल डिस्कस इज फ्लाइंग स्क्विरल. फ्लाइंग स्क्विरल भी एक मैमल है. इसका नाम फ्लाइंग स्क्विरल इसलिए है, दो इट कैन नॉट फ्लाई बट इट टेक हाई जंप्स एंड इट कैन ग्लाइड फ्रॉम ट्री टू ट्री, इट फील्स दैट इट इज फ्लाइंग. तो क्योंकि हमें लगता है कि जब ये एक ट्री से दूसरी ट्री पे जा रही है कि ये फ्लाई कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल. ये जो स्पीशीज है ये बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. सो दिस इज हाईली थ्रेटेंड स्पीशीज. इसका जो एनवायरमेंट है ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलती है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में ये मिलती है नामडाफा टाइगर रिजर्व में, इसलिए हम इसे कहते हैं नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल भी कहते हैं. इसका जो मेन फीचर है जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ये आर्बोरियल और नॉक्टर्नल है. तो नॉक्टर्नल होने के कारण ये सिर्फ हमें रात में ही दिखती है, जनरली डे में अगर हम इसे सर्च करने जाएंगे तो हमें ये नहीं मिलेगी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इज रॉयल बंगाल टाइगर. तो आपको पता है कि रॉयल बंगाल टाइगर इज हाईली इंपॉर्टेंट. टाइगर इज ऑल्सो अ नेशनल एनिमल, तो इसलिए भी रॉयल बंगाल टाइगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि एक इंडेंजर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है, शेड्यूल वन में इंक्लूडेड है, अपेंडिक्स वन में भी इंक्लूडेड है. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था. इसके अंडर इंडिया ने कुछ टाइगर रिजर्व्स बनाई है जहां पे स्पेसिफिकली हम टाइगर को कंजर्व करके रखते हैं. इसका हैबिटेट आपको पता ही है, इट लिव्स इन मेनली फॉरेस्ट लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सवाना रीजन्स और एलुवियल ग्रासलैंड्स एंड मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स की बात करें तो इंडिया में सिर्फ ऐसे दो ही जगह पे हैं जहां पे मैंग्रोव्स में पाया जाता है, दैट इज इन सुंदरबन मैंग्रोव्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो सुंदरबन जो मैंग्रोव्स हैं वो अकेला एक ऐसे मैंग्रोव्स हैं जहां पे टाइगर्स हमें मिल सकते हैं वर्ल्ड में. इनकी थ्रेटनिंग होने के रीजन क्या है, दीज आर मेनली ड्यू टू इलीगल ट्रेड्स एंड हंटिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल दैट वी विल डिस्कस इज कश्मीरी स्टैग. तो कश्मीरी स्टैग जो है वो बेसिकली एक टाइप का डियर है, ये एक मैमल है. ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स. इसका जो हैबिटेट है वो क्या है, वो है बेसिकली रिवराइन वैलीज एंड हाई माउंटेन्स. तो ये बेसिकली हाई माउंटेन्स एंड रिवराइन वैलीज में मिलता है. ये जो है एक एंडेमिक स्पीशीज है. ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई स्पीशीज एंडेमिक तो नहीं है, रेयर तो नहीं है, कीस्टोन स्पीशीज तो नहीं है. तो ऐसे अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस टाइप अगर इस स्पीशीज के साथ इंक्लूडेड है तो वो भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है. कश्मीरी स्टैग की बात करें तो उसका थ्रेटनिंग का मेन रीजन क्या है, ओवरग्रेजिंग. ये बहुत ही यूनिक है. अभी तक अगर हम बात करें तो जनरली हम हंटिंग और पोचिंग या इलीगल ट्रेड की बात करते थे, लेकिन कश्मीरी स्टैग की हम बात करें तो उसका एक सबसे मेन रीजन है थ्रेटनिंग होने का, वो है ओवरग्रेजिंग. तो क्योंकि जो यहाँ की जो ट्राइबल्स हैं वो मेनली ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि सीजनल ट्राइब्स हैं, जो जनरली सीजन टू सीजन जो है शेफर्ड्स होते हैं, जो बेसिकली ग्रेजिंग से ही अपना लाइवलीहुड कमाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो है एक सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है. द नेक्स्ट स्पीशीज दैट वी विल डिस्कस इज इंडियन गिजल और चिंकारा. चिंकारा जो है लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज ये कुछ स्टेट्स में ये स्टेट एनिमल है तो इसलिए ये काफी ज्यादा यूपीएससी में पूछी जाती है. दिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ WPA एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स. तो इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसकी हैबिटेट की बात करें तो इट इज मेनली इंक्लूडेड इन एरिड लैंड्स एंड ग्रासलैंड रीजन. यानी ये फॉरेस्ट में नहीं मिलती, ये एरिड लैंड्स और डेजर्ट रीजन्स में मिलती है. एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो ये कि इट इज द स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलोप. यानी ये स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलोप है. प्लस इट रियली जनरली अवॉइड्स ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन. यानी जो ह्यूमन हैबिटेट्स है उसके आसपास आपको इंडियन गजेल नहीं दिखा जाएगा. इट इज मेनली अ काइंड ऑफ शाइड एनिमल. जैसे ही इसकी ह्यूमन से कन्फ्रंटेशन होती है, इट स्टार्ट्स रनिंग और हाइडिंग. तो ये मिलता कहाँ पे है, ये इंडिया में पूरे सारे इंडिया में नहीं मिलता. ये मेनली थार रीजन जो है, थार डेजर्ट का जो रीजन है वहां पे मिलता है. इसके थ्रेटनिंग होने के मेन रीजंस हैं हंटिंग. जो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पे कल्चरली इसका जो मीट है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेसी की तरह खाया जाता है. तो इसलिए इसकी हंटिंग जो है इसका एक मेन रीजन है इसकी थ्रेटनिंग होने. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट वी विल डिस्कस इज रेड पांडा. रेड पांडा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है. क्यों? क्योंकि एक इंडेंजर्ड और साइट स्पीशीज होने के साथ साथ एक WWF जो कि इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट कंजर्वेशन NGO है, उसका भी एक लोगो जो है वो क्या है, रेड पांडा. तो इसलिए भी रेड पांडा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको पता होना चाहिए कि इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश.
It is a kind of arboreal animal that feeds on mainly bamboos and grasslands. तो ये grassland ecosystems में generally मिलते हैं और temperate forests में हमें मिलते हैं. इसके threatening होने के reasons क्या हैं? Habitat loss and hunting are its common reasons for getting threatened. The next species that we will discuss is pygmy hog. Pygmy hog भी जो है critically endangered species है, mammal है. It is also included in sites appendix 1. और जो इसका हैबिटेट है वो क्या है? वो मेनली तराई ग्रासलैंड्स का हैबिटेट है. इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिग एंड इट इज अ इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती थी, इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज थी जो कि डिफाइन करती है कि एक इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं. तो अगर हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ जाननी है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे पिग्मी हॉग्स कितने हैं. तो क्योंकि इनका नंबर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इनकी कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी हो जाती है. The next species that is important and it is quite in news is the olive ridley turtle. Olive ridley turtle की अगर हम बात करें तो उनके साथ एक special feature included है, वो है mass nesting. ये जो species हैं generally mass nesting करती हैं, एक जो कुछ season breeding season होते हैं वहां पे एक ही time पे जाती हैं और nesting करती हैं. तो इसे हम कहते हैं aridavas. It is mainly carnivorous and feeds on small creatures like jellyfish, snails, crabs, shrimp. इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है? ये इंडिया में मेनली कहाँ पे मिलता है? ये ऋषिकुल्या रिवर और देवी रिवर के माउथ पे मिलता है जो कि इसकी मेन नेस्टिंग साइट्स हैं. इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो इट इज वल्नरेबल. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ WPA. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इज स्वैम डियर. स्वैम डियर क्या है? स्वैम डियर बेसिकली एक मैमल है, हर्बीवोरस एनिमल है जो कि बिलोंग करता है IUCN वल्नरेबल कैटेगरी को. And it is included in Schedule 1 of WPA and Appendix 1 of sites. Iski habitat ki agar hum baat kare, it mainly belongs to the grassland ecosystem and open habitats. Ye milta kahan kahan pe hai? Ye milta hai basically India ke jo kuch riverine states hain, that is mainly Ganges rivers ya Brahmaputra river se jo states flow kar rahi hain, unme ye milta hai. And some national parks like Kanha National Park of Madhya Pradesh, Dudhwa National Park of Uttar Pradesh, Manas National Park of Assam and Kaziranga National Park in Assam. So yahan pe ye swamp deer hame milta hai. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है खराई कैमल. ये बेसिकली रिसेंटली एक अलग से ब्रीड जो थी कैमल की, इसको अलग से हमने एक एनिमल डिक्लेयर किया था अभी रिसेंटली NABR ने. तो ये जो एनिमल है बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को बिलोंग करता है. और ये जो कैमल है ये इसलिए स्पेशल है क्यों? क्योंकि एक एरिड एनवायरनमेंट के साथ साथ कोस्टल इकोसिस्टम में भी रह सकता है, इसलिए हम इन्हें स्विमिंग कैमल्स भी कहते हैं. तो ये सिर्फ जो है इंडिया की एक एंडेमिक स्पीशीज है. ये कहाँ पे मिलता है? ये मेनली मिलता है गुजरात भुज रीजन में. ये जो है ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है. इट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स इन मैंग्रोव. तो ये क्योंकि ये कैमल्स जो है स्विमिंग के कैपेबल है, इसलिए ये एक अलग से बहुत ही एक स्पेशल जो ब्रीड है कैमल की हो जाती है. प्लस यू नीड टू नोट दैट दिस इज अ डोमेस्टिक ब्रीड ऑफ कैमल. तो ये जो कैमल्स हैं इनको हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ में ही नहीं देख सकते, इट इज आल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर बाय सम ट्राइब्स इन राजस्थान एंड गुजरात. तो इसके थ्रेटनिंग होने के मेन रीजंस क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सॉल्ट माइनिंग एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन गुजरात. द नेक्स्ट स्पीशीज दैट नीड्स टू बी डिस्कस इज इंडियन वाइल्ड एस. इंडियन वाइल्ड एस जो है कि रिसेंटली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया, तो इससे पहले ये एक वल्नरेबल स्पीशीज थी. इसका जो हैबिटेट है वो क्या है? वो बेसिकली सलाइन डेजर्ट्स ऑफ रन ऑफ गुजरात हैं, ग्रासलैंड्स हैं, श्रबलैंड्स हैं. तो यहाँ पे ये मिलता है. इसके फीचर की बात करें तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन एनिमल्स एंड इट इज एंडेमिक टू इंडिया. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पढ़ी थी कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ में. इसके कुछ थ्रेट्स की बात करें तो वो क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू सॉल्ट माइनिंग, इन्वेजन ऑफ प्रोसोपिसिस जुलीफोरा जो कि एक इन्वेसिव स्पीशीज है क्योंकि इनका नंबर कॉन्टिन्यूसली बढ़ गया है इस इन्वेसिव स्पीशीज का. तो वाइल्ड एस की जो पॉपुलेशन है इसके कारण कम हो रही है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट वी विल डिस्कस इज चीता. चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. बट लेकिन इंडिया से ये एक्सटेंट हो गया था कब? ये हो गया था 1952 में इंडिया से एक्सटेंट. IUCN की अगर हम बात करें तो इट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज. तो जबकि ये इंडिया में एक्सटेंट है लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इट इज अ वल्नरेबल. इट इज स्टिल अवेलेबल इन नॉर्थ साउथर्न एंड ईस्ट अफ्रीका एंड फ्यू लोकेलिटीज इन ईरान. तो इसके थ्रेटनिंग के मेन रीजन क्या है? हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल जो हम डिस्कस करेंगे वो है गेंजेटिक डॉल्फिन. इसे हम गेंजेस सुसु भी कहते हैं.
So it is basically a type of mammal and it belongs to the IUCN endangered category. It is also included in Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act and Sites Appendix 1. So it is a highly protected animal. Main cheez jo aapko iske bare mein pata honi chahiye, it is basically a freshwater riverine ecosystem kind of animal. So it is mainly found in the riverine ecosystems and it is also an indicator species of that ecosystem. Yani agar kisi species mein appropriate number mein gingatic dolphin hai, to iska matlab ki wahan ki rivers jo hain unka content wo polluted nahi hai, bahut hi fit state mein hai. एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको इसके बारे में याद रखना है वो ये कि इट इज बेसिकली ब्लाइंड. तो ये अपनी जो भी हंटिंग करती है वो कैसे करती है, इट इज मेनली थ्रू रिलीजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स. तो एको की हेल्प से ये बेसिकली हंटिंग करती है और उसी की हेल्प से देखती है. सेकेंड चीज जो आपको इस गिंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि इट इज बेसिकली द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया. दिस वॉज डिक्लेयर्ड इन 2009. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. ये इंडिया की कुछ रिवर्स में ही मिलता है, इट इज नॉट फाउंड इन ऑल ऑफ द इंडियन रिवर्स. तो इट इज मेनली फाउंड इन द गेंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ उसी में ही ये मिलता है. इंडिया के अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन नेपाल एंड बांग्लादेश. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको गिंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पता होनी चाहिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है, ले फिर भी इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ WPA एंड अ स्पेशल प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज स्टार्टेड इन 1975 फॉर इट्स कंजर्वेशन. तो क्योंकि इस स्पीशीज के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है तो इसलिए ये स्पीशीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हैबिटेट की बात करें तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, ये मेनली हमें मिलता है कोस्टल हैबिटेट्स और मैंग्रोव्स में. फीचर्स की बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑन द प्लैनेट. It is mainly found in Indian wetlands and southeastern Asian countries. The next important animal is ghadiyal. जो घड़ियाल है वो ये भी एक type का crocodile है. It is basically critically endangered species. It is also included in Schedule 1 and Sites Appendix 1 list. ये जो है on the contrary of saltwater crocodile, it is basically a freshwater animal. तो ये हमें मिलेगा riverine habitats में. ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये मेनली हमें मिलता है रिवर्स लाइक गिरवा रिवर्स, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर एंड द टू नेशनल पार्क, दैट इज द नेशनल चंबल सेंचुरी एंड कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इन दोनों सेंचुरीज में हमें ये मिलता है और इंडिया की कुछ रिवर्स में हमें ये मिलता है. बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्पीशीज, यू नीड टू नो दैट इंडिया में सिर्फ ये दो क्रोकोडाइल्स ही नहीं, दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल ही नहीं, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्रोकोडाइल है मगर क्रोकोडाइल. उसके बारे में आपको कुछ सर्च करना है, दैट इज योर होमवर्क. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्पीशीज, दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है. ये कहाँ पे मिलती है, ये बेसिकली एक IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन साइट्स अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 ऑफ WPA. सो इसलिए इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हमने अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टार्ट किया है. इसका हैबिटेट क्या है, इसका हैबिटेट है एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, बुशेस, स्क्रब फॉरेस्ट. तो बेसिकली जो ड्राई रीजन है वहां पे ये मिलती है. इसका फीचर ये है कि इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द कंट्री. इट इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बर्ड इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो IUCN वल्नरेबल स्पीशीज को बिलोंग करती है. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ इंडिया इंडियन WPA एक्ट. हैबिटेट क्या है, इसका हैबिटेट है बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम. और ये मिलती कहाँ कहाँ पे, इंडिया, भूटान, नेपाल, सब जगह ये मिलती है. इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये मिलती है वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए वो ये कि इट इज अ फ्रूगिवोरस एनिमल एंड इट हार्डली ईट्स, समटाइम्स इट डू ईट एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड, बट दैट इज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक. इट इज जनरली फ्रूगिवोरस. इसके थ्रेटनिंग होने के रीजंस क्या है, हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल दैट यू नीड टू नो इज संगाई डियर और डांसिंग डियर. ये जो है एक IUCN इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी है. इसके जो कंजर्वेशन के लिए इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ WPA एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स. ये जो एनिमल है इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक एंडेमिक और रेयर स्पीशीज है. एंडेमिक इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है. इट इज फाउंड ओनली इन द केब्जुल लामजाओ पार्क ऑफ मणिपुर. तो ये जो है केब्जुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसके अंदर जो है एक लेक है, लोकटक लेक, यहाँ पे जो है कुछ फ्लोटिंग बायोमास है, दैट इज नोन एज फुमडी. वहां पे ये सिर्फ
उसी एरिया में जो है ये फोमडीज जो है वहां पे ही ये शंघाई डियर मिलते हैं. सो बिकॉज इट हॉप्स ऑन दीज फोमडीज वाइल इट मूव्स, तो इसलिए इन्हें डांसिंग डियर्स भी कहते हैं. तो ये है इनके कुछ स्पेशल फीचर. अगर इनकी थ्रेट्स की बात करें तो क्यों इनका नंबर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, क्यों ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. क्योंकि इनके जो वेटलैंड एनवायरमेंट है इट इज वेरी यूनिक एंड वेरी स्पेशल. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन रामसार वेटलैंड साइट्स. The next animal that you need to know is leatherback sea turtle. So, jo leatherback sea turtle hai, it is basically a type of reptile and it is included in vulnerable category of IUCN. It is also listed in sites appendix 1 and schedule 1 of WPA. तो ये जो है एक ओशियन इकोसिस्टम को बिलोंग करने वाला रेप्टाइल है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग टर्टल्स इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ हेवीएस्ट रेप्टाइल बिहाइंड क्रोकोडाइल्स. अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज फाउंड इन वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट ऑल ओशियंस एक्सेप्ट फॉर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. तो इट इज बेसिकली अ कॉस्मोपॉलिटन एनिमल. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक ओशियन में नहीं सब जगह है. थ्रेट्स की बात करें तो इट इज मेनली थ्रेटन ड्यू टू इंटेंस पोचिंग एंड हंटिंग एक्टिविटीज. द लास्ट एनिमल दैट वी विल डिस्कस टुडे इज स्नो लेपर्ड. तो जो स्नो लेपर्ड है वो बेसिकली एक मैमल है जो कि अभी रिसेंटली ही वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया था. इससे पहले ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज मानी जाती थी. Due to the conservation efforts by various countries, it has been now demoted to vulnerable. तो क्योंकि इसका जो conservation level है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, तो अब इसकी जो extinction का threat है वो पहले से कम हुआ है. तो इसको अभी recently ही IUCN ने vulnerable category में डाला था. इसके अलावा ये sites appendix 1 में भी included है और schedule 1 of WPA में included है. It mainly inhabits the alpine and subalpine zones of high elevation like 3000 to 4500 meters. तो ये बहुत ही high mountainous regions में पाया जाता है. India की अगर हम बात करें तो it mainly inhabits the states like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. It is also the state animal of Himachal Pradesh. तो threatening का इसका main reason क्या था? इसका main reason था poaching and infrastructure development and climate change. क्योंकि यहाँ का जो हाई माउंटेनियस रीजन है, यहाँ का जो स्नो है वो कॉन्टिन्यूसली अब मेल्ट कर रही है, तो इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वही इसकी थ्रेटनिंग की मेन रीजन है. सो लेट अस नाउ ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिनको यूपीएससी ने बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा है लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो. इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं या जिनके पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, उनको हम कवर करेंगे अपनी दूसरी स्पेशल वीडियो में जो कि एनिमल स्पेशल होगी. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर रिलेटेड टू स्पीशीज इज विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2015 में. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल. इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो इन तीनों स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है. तो यस, ड्यूगोंग इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल. इट मेनली सर्वाइव्स ऑन सी ग्रास. तो ये स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ड्यूगोंग है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस में इंडिया में मिलता है, लाइक गल्फ ऑफ मन्नर और गल्फ ऑफ कच्छ पे. इसके अलावा वो कहीं नहीं मिलता है. तो अलोंग द एंटायर जो वर्ड है वो इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा. तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. The third statement, it is given legal protection under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. So, yes, statement sahi hai because dugong is included under Schedule 1. So, the answer is C, that is 1 in 3. The next question is, marine animal called dugong which is vulnerable to extinction is? So, yahan pe hume dugong ka jo type hai wo pucha gaya hai. Whether it is an amphibian, bony fish, shark or mammal. You need to know what kind of facts that you need to study about these animals. So, abhi humne padha tha dugong kya hai. Dugong is basically mammal. So, answer would be D. The next question. Which one of the following is the national aquatic animal of India? So, ye pucha gaya tha prelims 2015 mein. Options the A. Saltwater crocodile. B. Olive ridley turtle. C. Gangetic dolphin. Kya D. Ghadiyal. तो जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है अभी हमने पढ़ा था, इट हैज बीन इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2009. इट इज मेनली गैंजेटिक डॉल्फिन. तो इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन. तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2014 में. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो गेंजेस रिवर डॉल्फिन है वो क्यों थ्रेटन हो रही है, उनका नंबर क्यों है डिक्रीज होता जा रहा है.
First reason is construction of dams and barrages on rivers. So yes, river pollution हमने पढ़ा था क्यों? क्योंकि उनका जो habitat है वो destroy हो रहा है. It is one of the main reasons कि इनका number decrease कर रहा है. तो this is the right statement. Second statement, increase in the population of crocodiles in rivers. So friends, ये reason नहीं है. हमने पढ़ा था कि habitat destruction was the main reason behind and the poaching was the main reason. तो second is not correct. Third, getting trapped in fish nets accidentally. तो ये भी statement सही है. Fourth is use of synthetic fertilizers and other agriculture chemicals in crop fields and vicinity of river. तो क्योंकि river pollution chemicals के कारण भी होता है, तो ये भी एक main reason है. So the answer would be C, that is 1, 3 and 4. The next question that was asked in prelims of 2013, it is regarding consider the following fauna of India. तो यहाँ पे हमें कुछ fauna की species दी गई हैं और हमसे पूछा है which one of these is or are endangered. तो हमें बताना है कि इन तीनों species में से endangered species कौन कौन सी हैं. First is घड़ियाल. तो घड़ियाल is not an endangered species, it is mainly critically endangered. तो ये नहीं होगा answer. Second, leatherback turtle. तो leatherback turtle is also not a critically endangered, तो ये भी नहीं है option. Third is swamp deer. Swamp deer is again not a critically endangered species, so it would be none of these 1, 2, 3 are critically endangered. So answer would be D. The next question that was asked again in prelims of 2013, it is related to lion-tailed macaw. तो हमसे पूछा गया है, in which of the following states is lion-tailed macaw found in its natural habitat? यानी अगर हम natural habitat की बात करें lion-tailed macaw की, तो वहाँ वो कौन सी states में पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि lion-tailed macaw जो है वो basically western घाट्स में पाया जाता है, और western घाट्स में कौन सी states में? It is Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Andhra Pradesh is not included in western घाट्स, so answer would not include 4, so the answer would be A, that is 1, 2 and 3. The next question, a sandy and saline area is the natural habitat of an Indian species. यानी एक ऐसा हमें animal species बताना है जिसका sandy और saline area एक natural habitat है. The animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to the destruction of habitat. यानी इस animal की destruction का main reason predator की killing की वजह से नहीं है, it is mainly due to destruction of the habitat. So ये animal कौन सा है? This was asked in prelims of 2011. A, Indian wild buffalo. B, Indian wild ass. C, Indian wild boar. Or D, Indian gazelle. तो इसका answer है B, that is Indian wild ass. क्यों? क्योंकि Indian wild ass जो है, it is restricted to the Gujarat run of Kutch region. और ये basically saline environment में मिलता है. इसकी destruction का reason क्या है? Salt mining, अभी हमने पढ़ा भी था. So ये इसलिए इसका answer होगा B, that is Indian wild ass. Now let us move to the next question. In which one of the following regions of India are you most likely to come across the great Indian hornbill in its natural habitat? Yani ki aapko inme se kaun se regions mein India ke great Indian hornbill milegi? Ye pucha gaya tha prelims 2017 mein. To iska pehla option hai sand deserts of northwest India, B, higher Himalayas of Jammu and Kashmir, C, salt marshes of western Gujarat and D, western ghats. So, एक बार के लिए हमें confusion हो सकती है क्योंकि hornbill जो हैं हिमालयाज में भी मिलते हैं, western घाट्स में भी मिलते हैं. But क्योंकि यहाँ पे specifically लिखा है higher हिमालयाज, तो वहाँ पे जो great Indian hornbill है, वो survive नहीं कर पाएगी. तो इसका answer होगा D, that is western घाट्स. So now the next question, which one of the following group of animals belong to the category of endangered species? यानी उस group of animals को आपको चुनना है जो कि endangered species को belong करते हैं. This was asked in prelims of 2012. A, musk deer, red panda and Asiatic wildlass. B, Kashmir stag, chital, blue bull and great Indian bustard. C, snow leopard, swamp deer, rhesus monkey and saurus. And D is lion-tailed macaw, blue bull, hanuman langur and chital. So friends, आपको लग रहा होगा कि हमें इन सारी species के बारे में तो पता नहीं है, तो ऐसे question को तो हमें generally छोड़ ही देना चाहिए. But friends, before leaving such kind of question, you should try a trick. The trick is basically the elimination method. तो इनमें से कुछ ऐसी species होंगी जो आपको पता होंगी, तो उस basis पे आप हो सकता है कि इन options में से eliminate करके अपना answer ढूंढ सके. So let us try this option. सबसे पहले D option देखते हैं. D option जो है उसमें lion-tailed macaw हमने अभी पढ़ा था. Lion-tailed macaw जो है वो basically एक endangered species को belong करता है. तो ये answer हो सकता है. अब हम बात करते हैं blue bull की. इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है. Next है हनुमान लंगर और चीतल. ये जो दोनों स्पीशीज हैं, ये बहुत ही कॉमनली इंडिया में अवेलेबल हैं और ये इंडेंजर्ड को बिलोंग नहीं करते, तो इस बेसिस पे हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट ऑप्शन,
snow leopard, swamp deer, rhesus monkey and saurus. So friends, we know that rhesus monkey jo hai wo schedule 5 ka animal hai, it is not at all endangered species, so this option can also be directly eliminated. Ab hamare paas A aur B option reh gaya hai. B option consists of Kashmiri stag, cheetal, blue bull and great Indian bustard. So ab hame pata hai ki jo Kashmiri stag aur great Indian bustard hai, it is critically endangered species, to ye bhi answer nahi ho sakta. By this method we are left only with A option. So let us check with it. Musk deer, red panda and Asiatic wild ass. तो इसमें से red panda और जो Asiatic wild ass हैं, वो दोनों ही endangered species को belong करते हैं. Despite not knowing what musk deer can be, we can safely say the answer would be A on the basis of elimination method. So the answer here would be A. The next question: what is or are unique about Kharai camel, a breed found in India? So this was asked in prelims of 2017. यहाँ पे हमें खराई कैमल की कुछ characteristics के बारे में, कुछ features के बारे में पूछा गया था. First is it is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. Second is it survives by grazing on mangroves. Third, it lives in wild and cannot be domesticated. So friends, we know that Kharai camel is also known as swimming camel. So it is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. So this is right. Second is it survives by grazing on mangroves. So yes, Kharai camel can survive basically in grazing on mangroves. ये जो है run of Kutch में मिलता है, mangrove region में मिलता है, तो ये भी statement सही है. Third, it lives in wild and cannot be domesticated. तो ये एक गलत statement है. क्यों? क्योंकि गुजरात में ऐसी tribes हैं जो कि इन्हें domesticate करती हैं. So it can be domestic. तो इस basis पर ये option गलत है. So the answer would be 1 and 2. That is A. So now the next question, consider the following species. First, black-necked crane, second, cheetah, third, flying squirrel and fourth is snow leopard. Which of the following are naturally found in India? Ab friends, humne black-necked crane ke jo habitat hai uske bare mein zyada kuch nahi padha hai, humne bas yahi padha tha ki it is found in remote regions of India and भूटान. तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ब्लैक नेक क्रेन के बारे में कुछ ज्यादा, बट स्टिल वी कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन मेथड. कैसे? हमें पता है कि जो चीता है वो इट इज बेसिकली एक्सटेंट इन इंडिया. इट इज नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया आफ्टर 1952, सो इट इज एक्सटेंट इन इंडिया. एंड ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट द ऑप्शन विच डज नॉट कंटेन चीता वुड बी द राइट आंसर. ऑन दिस बेसिस यू कैन से द आंसर वुड बी बी, दैट इज 1, 3 and 4. तो फ्रेंड्स, अब दो क्वेश्चंस आपके लिए कि आप खुद ट्राई करें और रिसर्च करें इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वल्चर विच इज यूज्ड टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम इयर्स अगो आर रेयरली सीन नाउ डेज. दिस इज एट्रीब्यूटेड टू. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो वल्चर्स हैं पहले तो इंडिया में बहुत कॉमन थी, लेकिन रिसेंटली उनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इसका क्या रीजन है? ये पूछा गया था 2012 के प्रीलिम्स में. First option is destruction of their nesting sites by new invasive species. B, a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle. C, scarcity of food available to them. And D is a widespread persistent and fatal disease among them. So in charon mein se kaun sa aisa reason hai jiske karan vultures ki population decrease ki gayi hai? So you can tell your answer in the comment box. And the second question that you need to answer is, what is the difference between antelopes, oryx and chiru? तो आपको बताना है कि जो दो स्पीशीज हैं एंटीलॉप्स की, ओरिक्स एंड चीरू, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट, ओरिक्स इज अडैप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, वेयर एज चीरू इज अडैप्टेड टू लिव इन स्टेपीज एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स. बी, ओरिक्स इज पोच फॉर इट्स एंटीलियर्स, वेयर एज चीरू इज पोच फॉर इट्स मस्क. सी, ओरिक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, वाइल चीरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली. एंड डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आपको बताना है कि इन दोनों एंटीलॉप्स यानी ओरिक्स और चीरू में क्या डिफरेंसेस हैं, उस बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. सो ये दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना. सो दैट फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.